して濃くない？एनर्जी आती है नीचे ओके सर आपका नाम रोहित राज रोहित राज रोहित राज ना हाँ रोहित राज ध्यान से देखिए सर ध्यान से देखिए यही वो शख्स है वो चैनल का याद करो खुद देखते हैं वो चैनल सर याद रखो दो तरह के लोग होते हैं एक जो टीवी देखते हैं तो दूसरे जो टीवी पर आते हैं जो लोग टीवी देखते हैं वो कभी टीवी पर आते हैं और जो लोग टीवी पे आते हैं वो टीवी देखते हैं तो आपके तत्पर जवाब से मुझे समझ में आ गया कि आप किस श्रेणी के हैं तो ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को राइट अब मुझे एक बात बताइए एग्जैक्टली ऐसे और कितने व्यक्ति इस दुनिया में एक एक सर ऐसा कुछ बोलो ताकि कुछ तुमने मेरा मजे खराब कर दिया चलो कितने लोग हैं ऐसे आपके हिसाब से तो कोई ऐसा नहीं है जो इसकी इसी के जैसा दिखता हो पांच है ओके चलो अब कुछ मजेदार जवाब है पांच लोग ऐसा जनरली लोग कहते हैं एक जैसे सात लोग इस धरती पर होते हैं ऐसा एक आम धारणा मान्यता समाज तो मान के चले कि इन्हीं के जैसे हैंडसम ऐसे स्टाइलिश चश्मा पहनने वाले ऐसे एकदम दबंग दबंगई स्टाइल वाले टाइगर डबल टाइगर इस धरती पर होंगे पर कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही दिखते हैं एट द सेम टाइम ऐसी ही बुद्धि भी रखते हैं मतलब सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शारीरिक संरचना बल और वैसी मानसिक बुद्धि भी वैसी एग्जैक्टली रखते हैं कितने हैं ऐसे अच्छा कितने हैं कि जैसे ही ऐसे शरीर और वैसी ही बुद्धि एट द सेम टाइम वैसी भावनाएं और रिश्ते दिल में रखते हैं कितने हैं ओके अगर ऐसा कोई है भी तो कितने ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा ही शरीर है ऐसा ही सेम दिमाग है वैसी भावनाएं और रिश्ते दिल में रखते हैं और एट द सेम टाइम वैसा ही काम और उपलब्धियां लेकर इस धरती से जाएंगे कितने हैं ऐसे कोई एक आपके सामने खड़ा द वर्ल्ड क्लास रोहित राज तो क्या एक बार जोरदार तालियां नहीं होती अच्छा फादर इज नो मोर बट हियर मतलब रहे उनके भी माँ बाप रहे उनके भी माँ बाप रहे उनके भी माँ बाप रहे इसका मतलब तुम्हारे पहले अरबों लोग इस धरती पर आकर के गए बिल्कुल अरबों लोगों के पूरा सब जो ब्रह्मांड का जो खेल रचा गया उसका नतीजा हमारे सामने खड़ा है तुम्हारे इसके पहले अरबों लोग कितने लोग एग्जैक्टली ऐसे ही आए चारों डायमेंशंस में आज तक इतिहास पुरुष है अब तो तालियां हो गया आज के टॉप के बाद इस आदमी का ऑटोग्राफ नहीं लिया तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी अच्छा तुम्हारे बच्चे हैं उनके भी बच्चे होंगे उम्मीद करते हैं मतलब अगली पीढ़ियां तो आएंगी उनके और बच्चे होंगे मतलब इस आदमी के बाद भी अरबों लोग इस धरती पर आएंगे एग्जैक्टली ऐसा आदमी फिर कब आएगा न भूतो न वर्तमान न भविष्य अब तो ऑटोग्राफ बनता है इसे तो मैं अपने ही होगा अच्छा ये जान गया अच्छा ये बात सिर्फ इस पर लागू होती है क्या आप में से किसी को भी बुलाने का ये बात लागू हो यू आर ऑलरेडी जो फिजिकल गुण मेंटल गुण इमोशनल गुण और साथ में स्पिरिचुअल गुणों का कॉम्बिनेशन जो ये है ऐसा आज तक कभी व्यक्ति इस धरती पर चला नहीं कभी न इसके बाद में कभी इस धरती पर आएगा इसने अगर अपनी जिंदगी का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया अपने डिस्टिंक्ट फोर्टे में नहीं किया अपने पैशन पर्पज
और परसिस्टेंस ऑफ फाइनेंस में अगर ये नहीं गया तो इररिप्लेसेबल लॉस इस पूरे ब्रह्मांड को, इस विश्व को होगा अगर ये व्यक्ति वो नहीं किया जिसके लिए कि ये आया है और जिसके लिए इसको वर्ल्ड क्लास बनाया है ऊपर वाले ने। यू आर बना के तो भेजा, उसने कोई कमी नहीं, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन फिर कभी इस धरती पर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। यू आर वर्ल्ड क्लास, तो तुम्हारी क्रियाकलाप वर्ल्ड क्लास आदमी की तरह तुम्हारी क्रियाकलाप होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आज तक न कभी आया न फिर कभी आएगा, कितना बड़ा नुकसान है इस धरती पर अगर ये व्यक्ति अपना पोटेंशियल प्राप्त नहीं करता, अगर मैं नहीं करता आप नहीं करते, कितना पोटेंशियल इस पूरी दुनिया का वेस्ट हो रहा है। सोचो गलत सोच रहे हैं, गलत प्रोफेशन में, गलत काम कर, छोटा सोच, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट शॉर्ट या डेढ़ लाख का 50,000 रात के दारू कर चुका है, ये वर्ल्ड क्लास नहीं। तो वो एरिया ढूंढो कि जहां पे और उस एरिया में अब वर्ल्ड क्लास लेवल पर जाओ, आप में वो है। ऊपर वाला वर्ड प्रपोज ग्रेटनेस, इट इज अप टू यू टू फाइंड इट एंड एक्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।